ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 2 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट कराते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया। ठीक है, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगी, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही कॉमन सेटअप है, जिसमें कि सेटअप के एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। क्योंकि अगर हम चार्ज पार्टिकल को डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करती, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ाया, अब इस मूविंग पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया, जिससे कि अब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, ठीक है, ये हमारा जो रीजन है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, लेटेस्ट से इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, इस छोटे से रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करी इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मतलब इस जगह से मान लो प्रोजेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, क्या होगा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल एग्जिट करेगा, तो यहाँ तक आते आते चार्ज पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। कितनी वेलोसिटी आई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वी क्रॉस बी, जो कि वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कुछ यूं होगा, ऐसा सर्कुलर पाथ होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए ये बाहर चला जाता है, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो 0.18 मीटर है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बताई गई है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया गया है, 0.1 और 0.2 के बीच में। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करने से लेकर के एग्जिट करने तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बता दिया गया है, और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन बता दिया गया है। चार्ज पार्टिकल पता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो तुम सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी पता हो तो, है ना, क्या लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये रेडियस इक्वल्स mv अपॉन qv। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी qr अपॉन mv। वेलोसिटी चाहिए, ये वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे, वेलोसिटी 1 और 2 के बीच में हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। 1 पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे रेस्ट से चार्ज पार्टिकल को हमने रिलीज किया है। एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, ओह दिमाग काम कर रहा है क्या, थैंक यू। mv अपॉन qr, वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए 1 और 2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में वन से टू आने में कितना कितना, या तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम लिखोगे कि वन और टू के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज के इक्वल होगा। ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो फील्ड को देख करके तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट नंबर वन का पोटेंशियल देखेंगे तो वो कम होगा, पॉइंट नंबर टू का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हम लोअर से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि लोअर से हायर पॉइंट पर जाने की वजह से पार्टिकल की जो एनर्जी है वो तो बढ़ रही है, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन तुम्हें याद आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस ईवी के इक्वल होती है। ठीक है, तो हालांकि वन का पोटेंशियल कम है और टू का पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास स्टार्टिंग में ज्यादा होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो ये चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करते हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है वो हम लिखेंगे ई टाइम्स दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी। वी को कैपिटल में लिख रहे हैं तो ये वेलोसिटी से कंफ्यूजन ना हो, ईवी। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2 किलो वोल्ट। ठीक है, तो तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी और इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू आएगी तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता चल जाएगी। अब इससे ना बिल्कुल इसी कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल को यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन को देख करके वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वेलोसिटी पता चल गई, इस वेलोसिटी को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के लिए कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि नेक्स्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल का पाथ मोशन कैसा होगा। ठीक है, उसमें हमने अलग अलग एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें मैंने लास्ट में तुम्हें बताया था कि सबसे ज्यादा पॉपुलर केस जो कि पूछे जाते हैं वो है क्रॉस फील्ड का। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर किसी रीजन में दे दी जाएगी। ठीक है, अब उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें भी सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि चार्ज पार्टिकल को हमें कैसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी जाएगी, और तुम्हें फील्ड्स को देख करके ये डिसाइड करना होगा कि हमें ऐसे फील्ड में चार्ज पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अनडिफ्लेक्टेड पास होने का मतलब है नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर मान लो इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है
तब तो तुम चार्ज पार्टिकल को कैसे भी प्रोजेक्ट करो, कैसे भी रखो, उस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है और तुम चाहते हो कोई फोर्स नहीं एक्ट करे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर सकता है, अगर हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखें या फील्ड के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करें, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो तुम सोचोगे कि नेट फोर्स जीरो होने की एक ही कंडीशन हो सकती है, और वो ये होगी कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स हमेशा एग्जर्ट करेगी, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जितना फोर्स एग्जर्ट करेगी बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल यूज करेंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स उतना ही एक्ट करना चाहिए जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करना चाहिए, यूज करके हम पता लगाएंगे कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर दिया, और लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, सॉरी आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर दिया। अब हर जगह फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हर जगह ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये फिगर अनक्लियर हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे सारी फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है कि यहाँ पे हर जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है टुवर्ड्स राइट, हर जगह पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऑब्वियस है, ओके। अब इसके बाद ठीक है, हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं, और मैं बिल्कुल ले मैन की तरह स्टार्ट करता हूँ, मतलब तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम कैसे अप्रोच करोगे, ठीक, किस तरह से सॉल्व करोगे। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, एक मिनट, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो एक्ट कर, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो वो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो फिक्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, कितनी होगी, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, या इसको मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यू है, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट करना चाहिए, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स 100% इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगा किधर की तरफ, इधर, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी हमें पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, फोर्स की डायरेक्शन पता है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए क्या हम नहीं बता सकते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसे, और मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ आ रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो तुम सोचोगे वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए
जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डिरेक्शन में आए। किधर होना चाहिए? ओके ठीक है, एक सॉल्यूशन ये है, तुम बोलोगी अगर डाउनवर्ड डिरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल को हमें डाउनवर्ड डिरेक्शन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को हम फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कैंसिल करता है तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा इस रीजन से। ठीक है, इतना तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज फिर से याद दिला देता हूँ। मान लो ये इस तरह से हमारा प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ है, ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, सॉरी, और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ठीक है, वो इधर भी हो सकती है, इधर इस प्लेन में कहीं पर भी है। पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तुम लोगों को पता है? ठीक है, तो अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता है तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा ना, इस प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इन दोनों को, ये दोनों मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में आने चाहिए। ठीक, क्योंकि क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो अगर हमें फोर्स पता है तो हम ये श्योर होकर के बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के की वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में लाई कर देंगे। मान लो मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे है, ठीक है, तो तुम श्योर होकर के बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और वेलोसिटी होगी वो दोनों इसी प्लेन में होंगे। हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, वेलोसिटी इधर हो, या मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, वेलोसिटी इधर हो, है ना, इसी प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, यही बोलेंगे ना। हम श्योर होकर के थोड़ी बता सकते हैं कि वेलोसिटी एग्जैक्टली इधर ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगी। मान लो तुम्हें और एक हिंट दे देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम देख करके सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, अब इसमें मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड भी बता रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, वेलोसिटी किधर होगी? वेलोसिटी जरूरी थोड़ी है कि इसके इसके परपेंडिकुलर ही हो, वो इस प्लेन में कहीं पर भी होगी ना, तो वी क्रॉस बी कहीं पर भी, मतलब कि इस तरह से होनी चाहिए इस प्लेन में कि वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स के अलोंग आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही, वो ऐसे भी प्रोजेक्ट करेंगे, यू भी प्रोजेक्ट करेंगे, यू भी प्रोजेक्ट करेंगे, अगर वेलोसिटी कुछ ऐसे भी होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही आएगी। क्या कहना चाहूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी फिगर ड्रॉ करना, कैसे फिगर ड्रॉ करना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और हम ब्रॉड सेंस में, मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव, सारे पॉइंट्स, मतलब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और ब्रॉड सेंस में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आना चाहिए। जैसे ही तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी तो तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने चाहिए, इस परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करने चाहिए।
कि मैं बना पा रहा हूँ सही से क्या। ठीक, तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो? मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये प्लेन तुम्हें इमेजिन करना है कि बोर्ड के प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर है, बाहर की आधा जो प्लेन बाहर की तरफ निकला हुआ है अंदर भी एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो प्लेन है ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, अब मेरा क्लेम है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वो दोनों इसी प्लेन में लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो इसी प्लेन में है ही ऑलरेडी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इस प्लेन में? वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है। इमेजिन कर पा रहे हो? पहले थोड़ा इस फिगर को देखो, कॉम्प्रिहेंड करो, ठीक, एब्जॉर्ब करने में 10-20 सेकेंड का टाइम लो, उसके बाद बताओ। ठीक है, सब लोग कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं? जो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो प्लेन में कुछ ऐसी दिखेंगी जैसी ड्रॉ की है। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी? तो तुम लोगों का आंसर था कि हम लोग अगर अगर बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चलो मैं ये बहुत सारी फील्ड लाइंस जो ड्रॉ की हैं इनको हटा करके एक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि उसमें से एक सॉल्यूशन तुमने बताया था, अगर वेलोसिटी को बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करें, चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट हैंड रूल से वी क्रॉस बी करोगे, है ना? राइट हैंड रूल से वी क्रॉस बी करोगे ऐसे करके। ठीक है, राइट हैंड रूल से वी क्रॉस बी करोगे और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन। अरे अरे, एक चीज मैंने गलत कर दी, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली इधर है, बाहर की तरफ है, सॉरी। हाँ, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वो वी और वी से बाहर, तो ये हमारा हाथ कुछ ऐसे रहेगा इस बार। ठीक है, तो इसको हम कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ इधर आएगी लेफ्ट में। ठीक है, तो अगर बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं चार्ज पार्टिकल को, तब तो फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा ही, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है? ये तुम सोच करके देखो, वेलोसिटी तुम कह रहे हो यूं होनी चाहिए ऐसे करके, इस तरह से वी क्रॉस बी अगर करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी किसी एंगल पर आई है या और किसी इस तरह से है तो भी तो वी क्रॉस बी करने से फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में ही आएगा। गलत कह रहा हूं क्या? इसका मतलब है वेलोसिटी के लिए ये सारी डायरेक्शंस पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर भी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो फिक्स होना चाहिए। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इस प्लेन को मैं थोड़ा और मैग्निफाई करके यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, और वेलोसिटी एक तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड के ठीक ठीक परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से ये 90 डिग्री पर वेलोसिटी है डाउनवर्ड, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है इधर की तरफ।
ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, बी क्रॉस बी, ठीक। लेकिन अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर भी प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, तो भी वी क्रॉस बी की डायरेक्शन यू ही आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी एंगल पर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक, जहां पर भी फॉलो नहीं करोगे तो पहले ही बताना। ये नेट मान लो हमने कुछ यूं चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, लेकिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है ना, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही डिसाइड करे। ठीक है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड पास करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाना चाहिए। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, वेलोसिटी कुछ एंगल पर भी है लेकिन लेकिन चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ इस परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फोर्स का जो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे क्यू वी परपेंडिकुलर बी इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वो क्यू ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो तुम एक स्टेप में देख करके बोलोगे कि हम चार्ज पार्टिकल को इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करता। अब इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। अब इस वेलोसिटी में अगर हम एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐड कर देते हैं ना, तो ये पैरेलल वाली वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस पैरेलल वेलोसिटी की वजह से, अगर पैरेलल वेलोसिटी ऐड होने के बाद भी पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड ही जाएगा, तो अनडिफ्लेक्टेड जाने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल पर ऐसे ट्रेवल कर रहा होता। तो इस प्लेन में कैसे भी तुम प्रोजेक्ट करो ना, तो ये चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, और किसी एंगल पर भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब तुम चार्ज पार्टिकल को दो वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी और उस कंपोनेंट की वैल्यू ई अपॉन बी के इक्वल होगी, और दूसरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोवाइड कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम चाहो तो पैरेलल वेलोसिटी कितनी भी प्रोवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो ई बाई बी के इक्वली होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन तुम अप्लाई करते हो तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर, बिल्कुल तुम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड भी और फोर्स के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि ये बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए, तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा पता है? मिनिमम वेलोसिटी तब आएगी जब ये पैरेलल कंपोनेंट हम प्रोवाइड करेंगे नहीं, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के भी और फोर्स के भी परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें। ठीक है, और वो मिनिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा ई अपॉन बी के। ठीक है, अब मैं थोड़ा वर्किंग स्ट्रैटेजी बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तुम्हें कभी भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो बोला जा रहा है कि यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, ठीक है,
और लेते हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यूं है, कैसे भी फील्ड की डायरेक्शन दे दी जा सकती है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल रख दिया गया है, बताना है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास करे, और वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी तुमसे पूछी गई है, तो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब है कि हमें वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनना, मिनिमम वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फील्ड के भी, मैग्नेटिक फील्ड के भी और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होता है, कि फील्ड और फोर्स के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फोर्स किधर आता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब है कि हमें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी रखनी है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, तुम सोचो मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, वो हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर में दो वेलोसिटी आएगी, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, वर्किंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले का जो भी डिस्कशन था वो तुम बार बार उसको खुद से अपने लेवल पे भी सोचोगे और फिर से तुम वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको 2 मिनट में तुम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि चार्ज पार्टिकल को अनडिफ्लेक्टेड पास होने के लिए वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी किधर होगी, तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे तुम बोलोगे इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है वेलोसिटी हम इधर भी रख सकते हैं इधर भी रख सकते हैं। अब इन दोनों में कौन सी वेलोसिटी सही वेलोसिटी होगी जिससे कि चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा, तो तुम्हें इन दोनों वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा कि किस केस में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट आ रहा है। चेक करते हैं, तो पहले लेफ्ट साइड अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वी क्रॉस बी किधर आ रहा है, वी क्रॉस बी राइट हैंड रूल से किधर आ रहा है ना, ये राइट हैंड रूल से किधर आ रहा है, तो वी क्रॉस बी तुम कैलकुलेट करोगे। तो पहले केस में वी क्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बाहर की तरफ आ रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल की यही वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी इधर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, सिंपल है। वेलोसिटी को तुम्हें दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर दी गई है मैग्नेटिक फील्ड जिधर दी गई, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब दो डायरेक्शन होगी, तो उसमें से कौन सी डायरेक्शन होगी वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट हो जाए, ठीक है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो स्मॉलेस्ट वेलोसिटी का मतलब है वो ई अपॉन बी के इक्वल है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बिल्कुल वेलोसिटी को ऐसे चार्ज पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट करते हैं तो तुम देख सकते हो कि इसके ऊपर फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर देगा अगर वेलोसिटी ई बाई बी के इक्वल है तो। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम साथ साथ वेलोसिटी का एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी डाल दे दो ना, तो इस पार्ट से फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेट वेलोसिटी अब तो चार्ज पार्टिकल के पास इधर आई है, ठीक है। लेकिन इस वेलोसिटी की वजह से भी चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जाएगा और यूं कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल हमेशा मूव करता जाएगा, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना है, हमेशा पता नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो
एक्स वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जाएगा, उसमें अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रख दी जाएंगी और पूछा जाएगा अनडिफ्लेक्टेड जाने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, किधर होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर निकाल लोगे किधर होगी, और मैग्नीट्यूड हमेशा ई बाई वी के इक्वल होगा। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी का यही आंसर होगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो तुम ऑप्शन देख करके बता बता पाओगे कि किस वेलोसिटी की डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास करेंगे। ओके, इस पे बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल डिस्कशन कर लिया, क्योंकि इसमें पहले से मैंने फिगर्स तैयार नहीं रखी थी, तो ड्रॉ करने में टाइम लग गया। ठीक है, अब एक कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चन पॉपुलर है, ये आया हुआ क्वेश्चन है शायद, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम। ये सबको आवाज क्लियरली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोटॉन को हम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं किसी रूम में। इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो मान लो तुम्हारा इस तरह से ये रूम है, तो रूम में ये अप डायरेक्शन ये होती है, डाउन डायरेक्शन ये होती है, अप वर्टिकली अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। लेकिन रूम के अंदर तुम्हें मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, अगर ये साउथ डायरेक्शन होगी, और ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, और ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, ये डायरेक्शन सबको समझ में आ रहा है। तो अब हम इसी रूम को ना, रूम को हम ऊपर से देख रहे हैं, रूम को, रूम का टॉप व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू। तो अगर टॉप व्यू देखेंगे तो तुम बता सकते हो ये डायरेक्शन कैसी दिखेगी। मैं यहाँ साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये नॉर्थ कुछ ऐसे दिखेगा टॉप व्यू, साउथ ऐसे दिखेगा। तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो, उसमें जो मैप बनाए रहते हैं, इंडिया का मैप होता है, कश्मीर का मैप होता है ना, बाकी कंट्रीज का मैप होता है, तो वो टॉप व्यू ही बनाया रहता है इस तरह से। ये ईस्ट है इधर, और ये वेस्ट है। और अगर यहीं पे तुम्हें पूछा जाएगा अप डायरेक्शन क्या होगी, डाउन डायरेक्शन क्या होगी, तो अप डायरेक्शन होगी कि ये अप होगा वर्टिकली अपवर्ड, और डाउन डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। डायरेक्शन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन कैसे ड्रॉ किया सबको क्लियर है। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हमारे पास प्रोटॉन है, यही डायरेक्शन फॉलो करना, ये रूम है, रूम का टॉप व्यू बना रहा हूँ, और ये नॉर्थ साउथ इस तरह से है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो हम मैं साइड में इसीलिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ डायरेक्शन रेफरेंस के लिए। एनीवे, क्वेश्चन में कहा गया कि जैसे ही हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं, चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा है, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया कि जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा, रिलीज किया, तो चार्ज पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आता है ए नॉट। ठीक है, और वो ईस्ट डायरेक्शन में आता है, सॉरी, एक्सेलरेशन आता है ए नॉट, और वो ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो अब सिर्फ इतने स्टेटमेंट से, ये बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट की बात की जा रही है, चार्ज पार्टिकल को रखा, रिलीज किया, तो उसके पास इनिशियल इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो ईस्ट की तरफ ए नॉट है। अब उसके बाद कितना, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, वो नहीं बताया गया, इनिशियल इंस्टेंट पे कहा गया। तो अब सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं बताओ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर सकता है,
ठीक है, इसका मतलब है ये जो चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन आई है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर ईस्ट की तरफ है, एक्सेलरेशन अगर ईस्ट की तरफ है तो इसका मतलब क्लियर है कि एक्सेलरेशन अगर ईस्ट की तरफ है तो इसका मतलब क्लियर है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो भी ईस्ट की तरफ ही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना होगा वो भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखता हूँ, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यही लिखेंगे ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कंप्लीटली पता चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यानी कि रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। अब उसके बाद दूसरा पार्ट चलते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन में, उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हेन इट इज, हाँ अब ये दूसरी कंडीशन दी गई है, अगर रेस्ट में रखते हैं तब क्या होगा बता दिया गया। अब बोला गया कि अगर हम रेस्ट में नहीं रखते हैं, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड वी नॉट, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले पार्ट से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और वो कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि, और डायरेक्शन वैसे ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वैसे ही है। दूसरे पार्ट में आते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, व्हेन दी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड वी नॉट, मतलब कि अगर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a0 टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम वी नॉट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन, पहले जो एक्सेलेशन आ रही थी ना उसका 3 times 3a0 एक्सेलेशन आ रहा है सेम ईस्ट डिरेक्शन में, ठीक है। तो हम कंक्लूजन क्या रखेंगे, कंक्लूजन रखेंगे क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की एक्सेलेशन ईस्ट डिरेक्शन में आई है, तो हम यही कंक्लूजन लिखेंगे कि इस बार भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है वो ईस्ट डायरेक्शन में, नेट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि पहले चार्ज पार्टिकल के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा था, सॉरी पहले चार्ज पार्टिकल के ऊपर ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स था, ठीक है, अब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर गया है, यानी कि फोर्स इंक्रीज कर गया ईस्ट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन में था, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज किया है, इसका मतलब यही है कि मैग्नेटिक फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा होगा। इतना तुम लोग समझ सकते हो कि सेकेंड केस में क्योंकि एक्सेलरेशन ईस्ट डायरेक्शन में बड़ा है तो नेट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में बड़ा है, नेट फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में तभी बढ़ सकता है जब मैग्नेटिक फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा हो। तो दूसरे स्टेटमेंट से तुम्हें ये कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर अब मैग्नेटिक फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम दूसरे केस में, दूसरे दूसरे दूसरी कंडीशन में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे कि नेट फोर्स
ये मास टाइम्स एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। लेकिन नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स तो चाहे पहले का केस लो या बाद का केस लो, वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना पहले था उतना ही बाद में भी एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है एम ए नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स एम सी ए नॉट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का तुम्हें मैग्नीट्यूड पता चल गया, मैग्नेटिक फोर्स का तुम्हें मैग्नीट्यूड पता चल गया, वो है टू टाइम्स टू एम ए नॉट। ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है, अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको फिर से देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है। अच्छा ये सब मिटा दूं क्या? इसको चलो रहने देता हूँ, यहाँ फिगर थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, इसको हटा दूं, ये सब हटा देता हूँ, थोड़ा फिगर क्लियर हो जाए। कंक्लूजन क्या आया है? कंक्लूजन ये आया है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वो हमें पता है। कंक्लूजन ये आया है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर एक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स पता है, वेलोसिटी पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बतानी है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होनी चाहिए जिसकी वजह से वी क्रॉस बी, क्योंकि प्रोटोन है पॉजिटिव चार्ज है, वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स के अलोंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रखना पड़ेगा? तो तुम्हें इसके लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड ना मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर इस प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस प्लेन में किधर भी हो सकता है। तो ऑप्शन में बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड अप है या डाउन है। तो अप और डाउन में से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? तो तुम सोचोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम अज्यूम करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड तो वी क्रॉस बी किधर आएगा? वी क्रॉस बी इधर आएगा, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में, वो तो अलाउड नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स को राइट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वी क्रॉस बी करेंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना देते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है, तो फोर्स को देख करके हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? वो लिखे क्यू विच इज ई वी क्रॉस बी, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वी बी साइन थीटा, तो वो होगा वी नॉट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। और ये कितना है? वो टू टाइम्स एम ए नॉट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी तुम्हें दूसरे स्टेप में पता चल जाएगी, कितनी आ रही है? टू एम ए नॉट अपॉन E upon E V naught, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब तुम ऑप्शन में देख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो इनको मैच करने वाला जो भी ऑप्शन होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन अब थोड़ा विजुअलाइजेशन डायरेक्शन ये बहुत ही धीरे धीरे तुम, ठीक है, सॉल्व करोगे तब कर पाओगे। फिर बहुत लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है टाइम लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। तुम इस तरह के क्वेश्चंस दो चार सॉल्व कर लो तो तुम्हें भी आसान लगने लगेगा।
कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं और क्वेश्चंस असाइनमेंट में तुम्हें दूंगा, तो तुम खुद से प्रैक्टिस करना। और थ्योरी वाइज एक पॉइंट इसमें बता देता हूँ कि ऑब्वियसली अगर चार्ज पार्टिकल को किसी भी जनरल रीजन में, हम किसी भी रैंडम रीजन में ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो टाइप का ही फोर्स एक्ट कर सकता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो किसी भी जनरल रीजन में हम बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट करता है, नेट फोर्स, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड अब इस वजह से हुआ, ये तुम डाउट पूछ रहे हो, इसको मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे राइट है, राइट मतलब ईस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? वी क्रॉस बी करने से फोर्स की डायरेक्शन आनी चाहिए, तो ऑप्शन में अप या डाउन है। अगर डाउन मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, तो वी क्रॉस बी लेफ्ट आएगा, तो हमें वी क्रॉस बी राइट चाहिए, तो वो तभी आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड रखेंगे। ठीक, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड का मतलब अप डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन इसीलिए मैंने पहले बताया कि ये अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं रूम का, तो ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी डायरेक्शंस और अच्छे समझ में। मैं ये कह रहा था कि रैंडमली अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है, तो नेट फोर्स को हम लिखते हैं क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, प्लस मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी। ये कहलाता, इसका बस नाम रखा गया, इसमें कोई नई चीज तो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, बस इस टोटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है ना, इसका नाम हम रखते हैं कि ये लॉरेंट्स फोर्स कहलाता है। लॉरेंट्स फोर्स का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स। ठीक है, वैसे ये जो लॉरेंट्स फोर्स का एक्सप्रेशन है, तुम इसको भी यूज करके कंडीशन निकाल सकते थे कि हमें नेट फोर्स जीरो आने के लिए ये ई इक्वल्स माइनस वी क्रॉस बी होना चाहिए। ठीक है, और इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो, और ये तुम लिखोगे ई इक्वल्स बी क्रॉस बी, और ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सफिशियंट है। इससे पहले डायरेक्शन तुम निकाल लोगे, वेलोसिटी किधर होती है, और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे बी बी साइन 90, तो तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी ई अपॉन बी की। तो मैथमेटिकली भी तुम सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके कि फोर्स जीरो होने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तुम निकाल सकते हो। ओके, ठीक है, तो अब ये पॉइंट चार्ज वाला जो केस है वो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी केसेस मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं वो मोर देन सफिशियंट है, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और हमने ऑलमोस्ट हर तरह के केस डिस्कस कर ही लिए, तुम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि चार्ज पार्टिकल का मोशन अब मैग्नेटिक फील्ड में या कंबाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में कैसा हो। ठीक है, यही टारगेट था इस टॉपिक का। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस कर देता हूँ, और मैं ये पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, अनडिफ्लेक्टेड पास होने के लिए तो बता दिया, लेकिन हम सिर्फ इतना नहीं जानना चाहते कि अनडिफ्लेक्टेड कब पास होगा,
मान लो तुम्हें बोला जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल को हम कैसे भी रैंडमली किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर हम चार्ज पार्टिकल को रैंडमली किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख रहे हैं, अब चार्ज पार्टिकल का ओवरऑल मोशन कैसा होगा? तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है और वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पाथ हो सकती है। लेकिन एक स्पेशल केस है इसमें भी, कि वो सबसे सबसे जो सिंपलेस्ट केस होगा कि चार्ज पार्टिकल को हम मान लो रेस्ट पे रख देते हैं, इनिशियली रेस्ट पर है, अब चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो कल इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, याद होगा स्टार्टिंग में इसके पास वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगी, लेकिन जैसे ही चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी आएगी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, कम वेलोसिटी है कम फोर्स एक्ट करेगा, इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन बेंड होने लगेगी। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बेंड होने जैसे ही बेंड होगी ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बेंड होगी लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अब मैग्नेटिक फोर्स कुछ यूं एक्ट करेगा, ठीक है, फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन बेंड होगी, मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, कुछ ऐसा होगा, फिर से मैग्नेटिक फोर्स अब यूं एक्ट कर रहा है, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगी, अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि क्योंकि इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ना, अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो चार्ज पार्टिकल के पास दो टाइप की वेलोसिटी, वी एक्स और वी वाई, ठीक है। तो ये जो एक्स कॉम्पोनेंट है ना वेलोसिटी का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बढ़ा ही रही है, ठीक है। तो जब तक वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज ही करेगा, ऐसा ही होता है, वेलोसिटी बढ़ते जाती है और चार्ज पार्टिकल कुछ यूं पाथ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो और इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी और बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स और बढ़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और जल्दी से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी, तो कुछ देर के बाद वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे हो जाए, ये इमेजिन कर पा रहे हो? ये गेस कर पा रहे हो? अब इसके बाद क्या होगा पता है, अभी जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से अब डायरेक्शन कुछ ऐसे होने लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ चुका है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये ना फिर वापिस आने लगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और ये रिपीट होता जाएगा। और ये इंटरेस्टिंग है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखेंगे तो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो बिल्कुल साइक्लॉयड पाथ होता है, ठीक है। तुम्हारे नीट वाले मतलब सिलेबस में तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम जेई में एडवांस में प्रिपेयर कर रहे होते, मैं तुमसे कहता कि इसकी पूरी मतलब इसका पूरा इसके पाथ की इक्वेशन निकालो, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन लिखो, और ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन जो है वो बिल्कुल मैच करती साइक्लॉइड की इक्वेशन से। साइक्लॉइड तुम्हें याद है, साइक्लॉइड पाथ तुम लोगों को याद है? साइक्लॉइड पाथ बताया था ना कि ये व्हील है, इसका कोई भी एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, अब जैसे जैसे ये व्हील आगे जाएगा ना, ठीक है, तो ये पॉइंट है ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, ये दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड, ये मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज पार्टिकल का मोशन है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, लेकिन चार्ज पार्टिकल के की जो मोशन की इक्वेशन आती है वो बिल्कुल साइक्लॉइड की इक्वेशन आती है। तो ये वाला जो केस है इसके बारे में सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं तुमसे किसी ने बोला कि रेस्ट में चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो मोशन कैसा होना चाहिए, तो तुम कंफ्यूज नहीं करो, तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि इस टाइप का पाथ होना चाहिए, ये तुम्हें लगेगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो फाइनली वो चार्ज पार्टिकल के मोशन के सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके हम आगे चलते हैं थ्योरी वाइज, और इसके बाद का टॉपिक
इसके बाद का टॉपिक क्या है, क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए। तो हम इस सेगमेंट में क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो स्टार्टिंग में हम पॉइंट चार्ज से स्टार्ट कर रहे थे, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, चलो तुम लैब के अंदर, ठीक है, लैब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तुम मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो लैब के अंदर एक एक पॉइंट चार्ज लाना उतना और पॉइंट चार्ज के साथ एक्सपेरिमेंट करना उतना फिजिबल नहीं है। तो नॉर्मली लैब में तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल नहीं रहते, तुम्हारे पास करेंट कैरिंग वायर रहता है, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं रहते, तुम्हारे पास करेंट कैरिंग वायर रहता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट कंसर्न तुम्हारा यही होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉइंट चार्ज लेते थे और फिर कंटिन्यूस बॉडीज लेते थे, चार्ज बॉडीज लेते थे, लेकिन उसका जो एनालॉग होगा मैग्नेटिक फील्ड में हमें मूविंग चार्ज चाहिए। तो मूविंग चार्ज का एक तरीका तो है पॉइंट चार्ज लो, उसको प्रोजेक्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि करेंट कैरिंग वायर ले लो। तो लैब में हमारे पास करेंट कैरिंग वायर रहता है, करेंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करेंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारा टारगेट तो यही है कि किसी भी जनरल शेप के करेंट कैरिंग वायर के ऊपर, और वो करेंट कैरिंग वायर कैसे भी रख दिया गया है, किसी भी जनरल शेप का करेंट कैरिंग वायर है, उस करेंट कैरिंग वायर को किसी भी ऑरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। हमारा टारगेट है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे वायर के ऊपर एग्जैक्टली कितना फोर्स एक्ट करेगा और किस डिरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। यही दो पार्ट्स है, पॉइंट चार्ज और करेंट कैरिंग वायर हो गया। तो फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर फील्ड कैलकुलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये सब लोग मानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करेंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो करेंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। अभी तक हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पॉइंट चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि करेंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो सब लोग अग्री करते हो कि करेंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एग्जर्ट करेगी, या नहीं करते हो? अच्छा, उससे पहले बताओ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करेंट कैरिंग वायर को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, ठीक है, करंट कैरिंग वायर का एक पार्ट दिखा रहा हूँ, इसके अंदर करंट मान लो यूं इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है कुछ इस तरह से। तो क्लास में होपफुली 12:30 तक कंटिन्यू करूंगा और उसमें करेंट कैरिंग वायर के फोर्स से रिलेटेड ठीक ठाक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंट कैरिंग वायर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कवर होंगे, ठीक है। तो आज मैं करेंट कैरिंग वायर को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ तो अभी, लेकिन जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, आगे वाली क्लास के लिए और ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए भी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, जैसे ड्रॉ की मैग्नेटिक फील्ड है, करेंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर करेंट कैरिंग वायर को रखेंगे तो करेंट कैरिंग वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगा या नहीं करेगा। बताओ, अरे तुम लोग कुछ आंसर ही नहीं करते हो। अच्छा चलो, हाँ गुड गुड, वैसे ही कह, ठीक है। चलो मैं एक चीज अभी बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँ, इस पॉइंट को अच्छे से नोट करो और इसको याद रखना, इसको तुम भूलना नहीं। एक पॉइंट बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ करेंट कैरिंग वायर से रिलेटेड, ठीक है। तो करेंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है,
ये करंट कैरिंग वायर का क्या मतलब होता है कि ये करंट कैरिंग वायर है, ये पहले भी ये बता चुका हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये कंडक्टर की बॉडी के साथ ही फिक्स है, ठीक है, ये मूव नहीं करेंगे। ये आयंस मूव करने का मतलब वायर को मूव करना, ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं वायर के अंदर, और इसमें नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो रैंडमली मूव कर रहे तो होते हैं, तो इनके पास बोलते हैं एवरेज एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इधर की तरफ, है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक्चुअली तो किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और मूविंग मूविंग नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूविंग मूव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसमें जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जब भी करंट कैरिंग वायर डिस्कस करूंगा तो मैं अज्यूम करूंगा जानबूझ करके कि वायर के अंदर नेगेटिव फिक्स्ड आयंस है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा, और पॉजिटिव फ्री चार्जेस हैं, ठीक है। पॉजिटिव फ्री चार्जेस हैं, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस, ये जो फ्री चार्जेस हैं ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फ्री चार्जेस जो है ना वो मूव कर रहे हैं। एक्चुअली तो पॉजिटिव आयन स्टेशनरी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस मूविंग होती है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि नेगेटिव चार्जेस फिक्स है और पॉजिटिव चार्जेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करेंट फ्लो करेगा। और मैं कह रहा हूँ ये दोनों सिचुएशन ना बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। चाहे तुम पॉजिटिव चार्जेस को फिक्स मानो और नेगेटिव चार्जेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ मानो, ये ऐसा ही है जैसे कि नेगेटिव चार्जेस फिक्स है और पॉजिटिव चार्जेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इससे बस हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी, नहीं तो वरना तुम सारी कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी बार बार पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखेंगे, करंट की डायरेक्शन देखेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव फ्री चार्जेस होते हैं और वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब जिधर करंट है उसी डायरेक्शन में वायर के अंदर एक्चुअली पॉजिटिव फ्री चार्जेस मूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस कंडक्टर का कोई भी पोर्शन अगर तुम एनालाइज करोगे किसी भी मोमेंट में, हालांकि यहाँ पे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस फिक्स है और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक, लेकिन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस वायर का कोई भी छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हमेशा सेम होंगे, क्योंकि कंडक्टर है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स नीचे निकल रहे हैं इस एरिया इस एलिमेंट से उतने इलेक्ट्रॉन्स एंटर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग वायर का करंट फ्लो करने के बाद भी इसका हर एक छोटा से छोटा एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब तुम लोग सोच करके बताओ कि अगर हम ऐसे वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वायर के अंदर चार्जेस हैं, फोर्स तो एक्ट करेगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट पर जितना पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ओवरऑल ये वायर न्यूट्रल है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट करेगा क्या, बताओ। इक्वल चार्जेस है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी कैंसिल होगा क्या, या तो तुम लोग सुन नहीं रहे हो या तो आंसर नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ ये क्वेश्चन क्या पूछा है, सबने सुना, सब समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं,
ऑब्वियसली यहाँ पे एक टाइप के चार्जेस फिक्स है, एक टाइप के चार्जेस मूविंग है. तो एक्चुअल वायर अगर देखोगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो नहीं, लेकिन नेगेटिव चार्ज मूविंग है ना, उनके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करेगा. तो करंट कैरिंग वायर है, मूविंग चार्जेस होने की वजह से करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक फोर्स एग्जर्ट करेगी. ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स कितना एग्जर्ट करेगी. हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना नेट फोर्स एग्जर्ट करेगी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट अस से, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी फोर्स नहीं एग्जर्ट करता है. लेट अस से इस रीजन में, हर बार की तरह लेट अस से यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी गई थी. कैसे सेटअप की गई थी? कोई भी परमानेंट मैग्नेट के पोल लाए थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसे हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रिएट कर दिए. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से इस रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और वो किधर है? मैग्नेटिक फील्ड लेट अस से इनसाइड द प्लेन ऑफ बॉल एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, अब तुम चाहते हो तो चलो मैं इस तरह से थोड़ा ये रहने दो इसको. तो तुम्हें इमेजिन करना है कि हर जगह इस तरह से ना क्रॉस 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 मतलब यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है. ठीक है, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ताकि फिगर क्लियर रहे हमारी. और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली रीजन में हमें करंट कैरिंग वायर को ला करके रखते हैं. ये करंट कैरिंग वायर को इस तरह से ला करके रखते हैं. करंट कैरिंग वायर का मतलब है इसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है. तो लेट अस से करंट कुछ इस तरह से, लेट अस से करंट इस वायर के अंदर कुछ इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है, स्मॉल आई लिख देते हैं. चलो, एक वायर लिया, आई करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. क्वेश्चन है कि इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. अरे हम यही सोचेंगे ना कि हमें वायर के ऊपर तो मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना नहीं आता है. हमने अभी तक, हाँ, हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना सीखा है. तो ये वायर जो है ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज है. तो क्यों ना इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें. अगर वायर को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट पॉइंट चार्ज होगा. ठीक है, तो हम पहले पूरी वायर के लिए नहीं, हम वायर के एलिमेंट्स के लिए फोर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं. कि अगर करंट कैरिंग वायर को रखा गया है तो उसके किसी भी करंट कैरिंग वायर एलिमेंट पर कितना फोर्स एक्ट करेगा. अगर हम एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक एक करके हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स ऐड करके कंप्लीट वायर के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल है, इस करंट कैरिंग वायर के एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. हाँ आशिक, तुम सही कह रहे हो, करंट कैरिंग वायर के एलिमेंट पर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इसका कोई भी किसी भी कहीं पर भी इमेजिन कर लो एक छोटा सा एलिमेंट. मान लो हम इमेजिन कर रहे हैं एक छोटा सा एलिमेंट, हालांकि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से. ये हमारा एलिमेंट है. इस एलिमेंट के ऊपर, इस एलिमेंट इस छोटे से पार्ट के ऊपर, ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना ये बहुत ही नेग्लिजिबल सेक्शन है, बहुत छोटा सा सेक्शन है. ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं. ऑब्वियस है कि
क्योंकि ये एलिमेंट है तो ये पॉइंट चार्ज है, तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स हम पॉइंट चार्ज की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस से इस एलिमेंट के अंदर जो चार्ज आया होगा वो डी क्यू है, इसमें जो चार्ज आएगा इसको कितना लिखना चाहिए, डी क्यू, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, लेट अस से इस लेंथ का नाम रख देते हैं, मतलब हम बहुत छोटा सा डीएल लेंथ का एक एलिमेंट इमेजिन करते हैं, ठीक है। और इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर ये जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, और वो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो ये इनके पास वेलोसिटी भी है। अच्छा, वेलोसिटी किधर है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ये सारे चार्जेस जो है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट इमेजिन करते हैं, डीएल लेंथ के एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। कितना फोर्स होगा, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है और किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर हमें पता है फोर्स की वैल्यू होती है क्यू, किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो ये एलिमेंट है, तो इस पर जो फोर्स होगा ना, उस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स होगा इसको मैं डी एफ लिख रहा हूँ। एलिमेंट के ऊपर छोटा सा जो फोर्स एक्ट करे वो डी एफ, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी गिवन बाई क्यू, मतलब इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है तो वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन उसको हम अज्यूम कर रहे हैं डी क्यू चार्ज होगा, कि जो भी छोटा सा चार्ज होगा उसको डी क्यू मान लें। वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यही टोटल फोर्स होगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें तो एक करंट कैरिंग वायर दे दिया गया था और उसमें से बता दिया गया था एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट, ठीक। करंट हमें पता है और डीएल लेंथ हमें पता होगा जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। अब उस पर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, हमें पता नहीं है, मतलब ये डी क्यू और वी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डी क्यू भी चाहिए, मतलब डीएल लेंथ में कितना चार्ज आएगा पता करना पड़ेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चाहिए, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और आगे जब भी हमें ये इस तरह से करेंट कैरिंग वायर है उसमें से ये एलिमेंट है, ठीक है, कितना छोटा सा हमने एलिमेंट इमेजिन किया, ठीक है। ये वाली लेंथ है डी एल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि इसके लेटेस्ट से मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेटेस्ट से चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड जाने में जो टाइम लग रहा है ना, यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लग रहा है ये डी टी टाइम लग रहा है, ठीक है। चार्ज को एक एंड से, एलिमेंट के एक एंड से दूसरे एंड जाने में जो टाइम लग रहा है वो डी टी है, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ कि इस डी टी की हेल्प से देखना हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताओ कि डी एल कितना होगा, डी एल कितना होगा, तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है टाइम्स डी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो इसकी लेंथ, एलिमेंट की लेंथ होगी ना। और याद रखना ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, ये स्ट्रेट एलिमेंट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हाँ, इस एलिमेंट में चार्ज कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा एलिमेंट में, चार्ज कितना आएगा, अरे इस वायर के अंदर आई करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस एलिमेंट के अंदर, ठीक है, अरे डी टी टाइम में क्या होगा, मतलब यहाँ पर इसको अगर बाउंड्री मानेंगे तो डी टी टाइम में,
डीटी टाइम में जितना भी चार्ज इस सेक्शन से पास करेगा वही चार्ज तो एलिमेंट के अंदर लाई करेगा ना, तो चार्ज कितना होगा आई डी टी के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें चार्ज नहीं पता था, तो ये जो चार्ज है ना उसको मैं लिख रहा हूँ, पहले चार्ज को मैं लिख रहा हूँ, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिख रहा हूँ आई डी टी के इक्वल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि करेंट हमें नोन है, ये वी डी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। हर एक स्टेप को बहुत ही क्लोजली फॉलो करना, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आई तो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये डी टी, ये जो डी टी है ना ये अंदर जा करके हम एक काम करते हैं, वी डी टी के साथ कंबाइन कर देते हैं क्योंकि बाहर तो डी टी का कोई यूज नहीं है। और ये वी डी टी क्या है पता है? वी डी टी क्या है बताओ, बाकी लोग बताओ। डीएल है। हाँ, देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम्स, मतलब ये जो वी डी टी है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये इस एलिमेंट की लेंथ होगी, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना वो तो वी डी टी के इक्वल होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, तो वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है कि ये जो पूरा टर्म है ना ये भी एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। डीएल हम अज्यूम कर रहे थे इसकी लेंथ है, तो लेंथ तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वी डी टी है ना, अब एक यहाँ पर एक नया हमें टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक, पहली बार इस कोर्स में। और मैं लिख रहा हूँ ये डीएल वेक्टर, और इस डीएल वेक्टर का मतलब होता है, इसको इसका हम नाम रखते हैं लेंथ एलिमेंट या करंट कैरिंग एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट या करंट कैरिंग एलिमेंट, देखो अगर हम वी डी टी को यहाँ पे सीधा डीएल लिख देंगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वी डी टी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वी डी टी वेक्टर, वी डी टी एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो इस एलिमेंट की लेंथ के इक्वल होगा, लेकिन इसके पास डिरेक्शन भी होगी, और वो डिरेक्शन किधर होगी, और वो डिरेक्शन किधर होगी, डिरेक्शन उधर ही होगी जिधर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, जिधर करंट होगा। तो इन इफेक्ट हम ऐसा बोलेंगे कि ये डीएल एक ऐसा वेक्टर है, ये डीएल इसको लेंथ सीधा नहीं समझना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो लेंथ के इक्वल है, एलिमेंट की जितनी लेंथ है उसके इक्वल है, लेकिन इसके पास एक डिरेक्शन भी, और डिरेक्शन किधर है, करंट के अलोंग है, ठीक है। तो हमें किसी भी करंट कैरिंग वायर के एलिमेंट के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर, मतलब लेंथ एलिमेंट वेक्टर पता होना चाहिए। अगर हमें लेंथ एलिमेंट वेक्टर पता है तो हम उस एलिमेंट के ऊपर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तुम देख सकते हो कि करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो भी सिमिलर है वैसा ही जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए होता था। पॉइंट चार्ज के लिए क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता था, यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो आई डी एल क्रॉस बी है, क्योंकि यहाँ पे क्यू और बी हमें पता नहीं है, हमें करंट पता है, एलिमेंट की लेंथ पता है, तो करंट और लेंथ के टर्म्स में करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो आई डी एल क्रॉस बी के ऊपर, ठीक। इसको मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको तुम्हें थोड़ा सा मोमेंट कुछ मोमेंट्स देने चाहिए इस एक्सप्रेशन को एब्जॉर्ब करने पे। किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एग्जर्ट करती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है आई, कंप्लीट वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उस फोर्स की वैल्यू होती है आई डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी।
अब कोई भी एलिमेंट हमें दे दिया जाए तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम करेंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी और फोर्स की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये करेंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया तो फोर्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। और डीएल वेक्टर है क्या, मान लो कोई भी करेंट कैरिंग वायसले से दे दिया गया, ये एलिमेंट है, तो डीएल वेक्टर का मतलब होगा ना, अगर मान लो करंट यू फ्लो कर, करंट ऐसे जा रहा है, तो डीएल वेक्टर का मतलब होगा ये वाला वेक्टर। इसको कई बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, लेंथ वेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो लेंथ के इक्वल है, इसके पास डायरेक्शन भी है और वो करंट जिस डायरेक्शन फ्लो करी उसी डायरेक्शन में होगी। मान लो यहाँ वाला जो एलिमेंट है इसके इसका डीएल वेक्टर कैसा होगा, वो ये वाला वेक्टर होगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके पास ये जो डीएल वेक्टर हो, ये डीएल वेक्टर है। ठीक है, तो डीएल वेक्टर पता है तो इस सिंपल से एक्सप्रेशन से तुम किसी भी एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मुझे भरोसा है कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से हमेशा कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन मुझे डायरेक्शन में हमेशा ऐसा देखता हूँ कि डायरेक्शन में जनरली तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। इन एग्जांपल्स में तुम्हें बताना है कि एलिमेंट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, सिर्फ मुझे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताना। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन साइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, और मैं यहाँ पर एक वायर, करेंट कैरिंग वायर बना देता हूँ। ये मान लो करेंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कुछ कैसे जा रही है, यू करंट यू फ्लो कर रही है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब मुझे एक एक करके, या तो तुम खुद से इन एलिमेंट्स पर फोर्स कैलकुलेट करके रखना और फिर मुझे बताना। पहला एलिमेंट लेते से हमारे पास ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर इधर है। इनका नाम रख देता हूँ 1, 2। इन सब के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करें और फिर वेरीफाई करना कि इन एलिमेंट्स पे फोर्स की डायरेक्शन जो कैलकुलेट की है वो तुम्हारी सही आ रही है या नहीं। कैलकुलेट कर लिया, हम बोलेंगे कि थ्योरी थ्योरी ऐसा कहती है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग एलिमेंट के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन करंट कैरिंग एलिमेंट विल बी कंप्लीटली गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन आई डीएल क्रॉस। ये फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड आई डी एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, वो आई डी एल बी साइन थीटा के इक्वल होगा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डी एल क्रॉस बी के इक्वल होगी। तो एक एक करके हर एक एलिमेंट पर फोर्स की डायरेक्शन, एलिमेंट नंबर 1 के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताओ किधर किधर होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट को किधर की तरफ पुश कर रही होगी, किधर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे डी एल क्रॉस बी, तो इस एलिमेंट के लिए डीएल किधर है, डीएल इधर की तरफ है, बी किधर है, ये डीएल अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो डीएल क्रॉस बी करेंगे राइट हैंड रूल से तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, फोर्स की डायरेक्शन डीएल क्रॉस बी लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही तुम वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो इस एलिमेंट को ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ पुश करने लगेगी और ये फोर्स तुम फील करोगे। अगर इस वायर को होल्ड करके रखोगे तो तुम्हें फील होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ एलिमेंट को पुश कर रही है। ठीक है, और एलिमेंट नंबर टू डीएल क्रॉस बी, तो डीएल इधर है, बी इनसाइड है, राइट हैंड रूल यूज करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू पुश करेगी। एलिमेंट नंबर 3 कुछ इधर, एलिमेंट नंबर 4 कुछ इधर, एलिमेंट नंबर 5 डीएल क्रॉस बी कुछ इधर, एलिमेंट नंबर 6 कुछ इधर, ये मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और क्वेश्चन बताओ। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर है, ठीक
ठीक है, और मान लो ये हमारे पास वायर है कुछ इस तरह से, इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली अगर आइसोलेटेड रॉड होगा तो इसमें तो करंट पास नहीं करेगा, मतलब स्टेडी करंट नहीं पास करेगा, अगर करेगा थोड़ी देर के लिए चार्ज मूव करेंगे रुक जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये ऐसे थिन वायर से ना यहाँ से मान लो कनेक्टेड है, कि मतलब ये सर्किट का पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई है, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? बताओ, अरे क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो ये तो रॉड है, रॉड के ऊपर कैसे बताएंगे, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसमें कोई भी छोटा सा एलिमेंट अगर इमेजिन करेंगे ना, तो एलिमेंट के लिए जो डीएल वेक्टर होगा वो कुछ इधर होगा करंट की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरह, राइट हैंड से डीएल क्रॉस बी करोगे, डीएल क्रॉस बी राइट हैंड रूल से परफॉर्म करो, थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इस रॉड के हर एक एलिमेंट के लिए डीएल सेम डायरेक्शन में है, तो इस रॉड के हर एक एलिमेंट पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पूरे रॉड के ऊपर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जब तुम यहाँ पे रखोगे ना ये अपने आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा रॉड, ठीक है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, मतलब एलिमेंट पर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट वायर के ऊपर, किसी भी तरह का वायर होगा, कंप्लीट वायर के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम क्लास ओवर करते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स, तो कौन सा, ये प्रीवियस स्लाइड, ये वाली, और उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये सर, डाउट क्या था, पहले लेक्चर